नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके दम पर चीन आज दुनिया का ग्लोबल पावर बन गया है, तो इसका सबसे बड़ा जवाब है मैन्युफैक्चरिंग। अपने मैन्युफैक्चरिंग की बदौलत मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स पूरे दुनिया में ज़बरदस्त तरीके से फेमस हो गया था, जिसके कारण चीन पिछले कई सालों में 10% से भी ज़्यादा के एनुअल GDP ग्रोथ दर्ज किए हैं। इसी ताकत के दम पर चीन UNSC में भी लंबे समय तक बना रहा, लेकिन अब उसका सिंहासन डोलने लगा है। क्योंकि जरा आप सोच कर देखिए कि अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले सभी कंपनियां अचानक भारत में शिफ्ट होने लगें तो फिर क्या होगा? होगा वही जो किसी ने ना सोचा होगा। चीन एक बार फिर से 1990 के पहले वाला चीन बन जाएगा। कमज़ोर होने के कारण उसके हाथ से वीटो पावर भी छीना जा सकता है। वहीं भारत को मेड इन इंडिया का राज मुकुट मिलेगा और वीटो पावर का तिलक भी लगेगा। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इस तरह की बातें खुद अब यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में आने लगी हैं। यूनाइटेड नेशन ने माना है कि एक तरफ लगभग सभी डेवलपिंग कंट्रीज की हालत खराब है, लेकिन भारत के इकोनॉमिक रफ्तार ने तो क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत की तरक्की नॉन स्टॉप होने वाली है। भारत न केवल ग्लोबल साउथ का लीडर बनेगा, बल्कि वीटो पावर का प्रबल दावेदार बन जाएगा। इसी कारण ये माना जा रहा है कि भारत का खेल बिगाड़ने के लिए आने वाले समय में चीन भारत पर अग्रेशन कर सकता है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने ये भी माना कि अगर भारत ने नहीं बचाया तो पूरी दुनिया की आर्थिक हालात बदहाल हो जाएगी। मतलब भारत न केवल अपनी रक्षा कर रहा है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को सुचारू ढंग से चालू रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। जैसे आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं कर सकते, इसी प्रकार बिना भारत के आप ग्लोबल इकोनॉमी को इमेजिन भी नहीं कर सकते। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूम शुरू हो चुका है। दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत की तरफ दौड़ लगा चुकी है और उनका मानना है कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के मद्देनज़र चीन के अलावा भारत एक बेहतरीन विकल्प है। अगर आप ध्यान से गौर करते हैं तो अ सीरीज ऑफ ग्लोबल चेंजेस एक एक करके सामने आ रही हैं। सबसे पहले पैंडेमिक ने दुनिया की कमर तोड़ी, उसके बाद जगह जगह युद्ध शुरू हो गए, जिसके कारण इन्फ्लेशन, डेट क्राइसिस, फिर इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, जिसके कारण दुनिया भर के मार्केट में डिमांड कम होती नजर आई। इसी बीच चीन के साथ सबसे बड़ा कांड ये हो गया है कि लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठने लगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान चीन के साथ ट्रेड वॉर शुरू करके चीन को लहूलुहान कर दिया। इटली जैसे भरोसेमंद दोस्त ने उसे BRI में तलाक दे दिया, लेकिन इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भारत रेजिलिएंट रहा और स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा। यहाँ डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी हाई है, इसी कारण बड़ी बड़ी कंपनियों को आज विश्वास है कि भारत में गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ बेस तैयार है। दुनिया का चीन से भरोसा उठ रहा है, उसके धोखेबाजी और स्ट्रिक्ट पॉलिसी के कारण कंपनियाँ परेशान हैं। ऐसे में वे सभी अपना अपना कारोबार बंद करके भारत में एंट्री ले रहे हैं और अब इस फ्लो को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीन में डोमेस्टिक डिमांड जनरेट हो नहीं रही और दुनिया में भी चीन की प्रोडक्ट कोई खरीद नहीं रहा। ऐसे में वहां मैन्युफैक्चरिंग करने में कंपनियों को कोई फायदा नहीं। इसी कारण आज से कई साल पहले सैमसंग ने अपना प्लॉट चीन से निकालकर वियतनाम में सेट कर लिया था और अब एप्पल ने भी धीरे धीरे चीन से निकलकर भारत में घुस रहा है, या फिर ये कहें कि काफ़ी हद तक घुस चुका है। हाल ही में UN की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है 2024 फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि COVID-19 पेंडेमिक, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, अनवांटेड क्लाइमेट चेंजेस और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस के कारण डेवलपिंग कंट्रीज में त्राहिमाम मचा हुआ है। ज़्यादातर देशों में हेल्थ केयर, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन से जुड़े इश्यूज बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसे सॉल्व करने के लिए फंडिंग की कमी हो रही है, लेकिन UN रिपोर्ट ने कहा है कि भारत की बात ही कुछ और है। UN का कहना है कि इन सभी चैलेंजेस के बावजूद भारत में ह्यूज ग्रोइंग मार्केट है जो मल्टीनेशनल कंपनियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। भारत में कंपनियां खुद को ज़्यादा स्टेबल फील कर पा रहे हैं, खास करके चीन के मुकाबले। भारत की इकॉनमी जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है, उसके पीछे 8 बड़ी वजह है। इसे ज़रा ध्यान से सुनिए। रॉबस्ट डोमेस्टिक डिमांड, डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, डेमोग्राफिक एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन, रेजिलिएंट IT सेक्टर, राइजिंग मिडिल क्लास, स्ट्रेटजिक ट्रेड पार्टनरशिप्स, ये 8 ऐसी वजह हैं जो भारतीय इकोनॉमी को सुरक्षा कवच प्रोवाइड किए हुए हैं और इसके कारण दुनिया की कोई भी मुसीबत भारतीय अर्थव्यवस्था को छू तक नहीं पा रही।
हालांकि रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन की गई है कि भारत के साथ साथ और भी कई सारे डेवलपिंग कंट्रीज को अपने यहाँ तेजी से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है। रिपोर्ट में इसके पीछे का कारण बताया गया है कि अनस्टेबल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, अनप्रेडिक्टेबल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड हाई बोरोइंग कॉस्ट के कारण सभी कंपनियां सावधान हैं और वे इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच रही हैं। इसके अलावा यूएन रिपोर्ट में भारत के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यानी कि फिनटेक के बारे में जमकर तारीफ की गई है। खास करके भारत के अंदर UPI से हुए डिजिटल पेमेंट की खूब चर्चा है, जो स्मॉल बिजनेसेस को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। इससे लोगों की लाइफ आसान हो गई है और सभी पेमेंट डेटा सरकार के पास मौजूद है, जिसके कारण ब्लैक मनी को भी काफी हद तक काउंटर किया जा सकता है। COVID-19 पेंडेमिक के दौरान भी कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी के लिए फिनटेक ने जबरदस्त रोल प्ले किया था। हाल ही में हमने आपको इस चैनल पर वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण डेटा दिखाया था और बताया था कि जब इकोनॉमी के किसी स्टैटिस्टिक्स डेटा के अनुसार आपका देश चीन, अमेरिका और जापान जैसे दिग्गज इकोनॉमिक पावर हाउस से आगे हो जाए, तो फिर ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात होती है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके ट्विटर पर मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, इनके डेटा को ऑथेंटिक माना जाता है। इन्होंने भारत समेत पूरी दुनिया का एनुअल GDP ग्रोथ रेट पब्लिश किया है। अगर ये ग्रोथ रेट देखकर भी UNSC की आंखें नहीं खुलती हैं, तो फिर UN का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि एक बात हमें मेंशन करनी होगी, भारत को इस वक्त अपने डेमोग्राफिक डिवाइड्स को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। भारत को इस वक्त अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को मैक्सिमाइज करने की जरूरत है, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट हो सके और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट हो सके। भारत के अंदर कई मामलों में इनइक्वालिटी बेहद हाई लेवल पर है और उसे ब्रिज करने की जरूरत है, तभी जाकर हम आसानी से डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।